इसलिए आप लोगों को आपके जिंदगी की प्राथमिकता होनी चाहिए ज्ञान को अर्जन करना, इनलाइटनमेंट, ज्ञान अर्जित करो। और ज्ञान अर्जन करने के लिए आलस्य नहीं, आप जा करके जब यहाँ होता है तो आप सो जाते, सोते हैं कोई बच्चे इसमें? आप लोग नोट नहीं करते ने? नोट करेंगे बात को? आप इससे सोचिए, समझिए और अपने चिंतन के दायरों को बढ़ाइए, तभी आपको समझ में आएगा। इनलाइटनमेंट के बाद दूसरा पॉइंट लिखिए, मॉरल एंड करेक्टर कंस्ट्रक्शन, अपने चरित्र और नैतिकता को मजबूत रखना। मॉरल एंड करेक्टर कंस्ट्रक्शन, अपने नैतिकता, नैतिक मूल्यों को और चरित्र को मजबूत रखना। प्यारे बच्चों, जिंदगी में आप कुछ बन नहीं सकते हो तो मत बनो, लेकिन जिंदगी में कभी टूटो मत। दूसरे के नजरों में आप कैसे भी रहो, लेकिन अपनी नजरों से कभी गिरो मत। और जो इंसान अपनी नजर से गिर जाता है, वह जीवन जीने के सुख को, आनंद को खो देता है। प्यारे बच्चों, जिंदगी में अगर दाग लग गया तो जीवन जीने का मजा नहीं आता, इसलिए अपने जिंदगी में कभी दाग मत लगने दो। अपने सर को हमेशा ऊंचा उठाकर जब ही आप चल पाओगे, जब आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत होगी। और अगर आपकी आंतरिक शक्ति मजबूत नहीं होगी तो आप सर ऊंचा करके नहीं चल पाओगे, आपके अंदर भय होगा, डर होगा। और जिसके अंदर भय होता है वो ब्लैकमेल होता है और वो प्रॉब्लम में हमेशा रहता है। इसलिए जिंदगी में दाग मत लगने दो। मैंने कहा जिंदगी में कुछ बन नहीं सकते हो तो मत बनो, लेकिन जिंदगी में कभी टूटो मत। दूसरे की नज़रों में आप कैसे भी रहो, लेकिन अपनी नज़रों से कभी गिरो मत। और जो इंसान अपनी नज़र से गिर जाता है, वो जीवन जीने के आनंद को खो देता है। मैं हिंदुस्तान के 29 स्टेट में एक वर्ष में कम से कम दो बार जाता हूँ और मुझे काफ़ी लोगों से मिलने का मौका मिलता है। जब कई लोग मिलते हैं तो कहते हैं, हमारे विषय में क्या परसेप्शन है सोसाइटी में, लोग हमारे विषय में क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं। अरे, आप अच्छे हैं या बुरे हैं, दूसरा व्यक्ति आपको क्या प्रमाण पत्र दे सकता है? आपका अगर वो क्रिटिक होगा आपको गलत कहेगा, आपका सपोर्टर होगा आपकी प्रशंसा करेगा। आप अच्छे हैं या बुरे हैं, या आप जानते हैं या ऊपर वाला जानता है, दूसरा व्यक्ति आपको प्रमाण पत्र देने का कोई नैतिक अधिकार, राइट्स नहीं रखता है। इसलिए आप कैसे हैं, क्या हैं, अपने आप से पूछो। किसी से सर्टिफिकेट की आवश्यकता आपको नहीं होनी चाहिए कि हमें लोग क्या कहते हैं। और जब ये चीज़ आप छोड़ देंगे, तभी आपकी आगे बढ़ने की एक स्टेप आगे चलेंगे। तो इसलिए प्यारे बच्चों, मॉरल एंड करेक्टर कंस्ट्रक्शन, अपने चरित्र को मजबूत करो, अपने नैतिक मूल्यों का संवर्धन करो। आपके अपने इथिक्स, अपने वैल्यूज, आपके प्रिंसिपल, वो आपके लिए बेहतर रास्ता बता सकते हैं। दूसरे लोग आपको रास्ता नहीं दिखा पाएंगे जो लोग दिखाना चाहते हैं। आपको हमने कल करेक्टर का डेफिनेशन बताया था, आपको याद है वो पॉइंट कि भूल गए इतने जल्दी? क्या बताया था मैंने? लंगोटी का पक्का, जुबान का सच्चा, दुनिया में कहीं ठोकर
नहीं खा सकता। और हमारे जीवन में 10 इंद्रिय होती हैं, 2 इंद्रिय पर अगर हमने कंट्रोल कर लिया तो दुनिया में हम कभी पीछे नहीं हट सकते। इसलिए प्यारे बच्चों, हमें अपने जीवन पर वर्क करना चाहिए। दुनिया को बदलने का ख्वाब बाद में देखना चाहिए, पहले हमें अपने आप को बदलने का ख्वाब देखना चाहिए। और हम अपने आप को ठीक रखेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। इसलिए हमें अपने नैतिक मूल्यों का संवर्धन करना चाहिए और अपने चरित्र का निर्माण करना चाहिए। और ये चीज बाजार में नहीं मिलती है, इसे अपने आप से पैदा किया जाता है। तीसरी बात, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी। आपके पास शांति हो, आपके समाज में, आपके मन में, क्योंकि शांति के बिना समृद्धि नहीं आती। तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि। 24 अक्टूबर 1945 को जब यूएन की स्थापना की गई तो उनके ट्रस्ट डीड में लिखा गया कि नो प्रोग्रेस विदाउट पीस, शांति के बिना प्रगति नहीं होती है। आप लोगों से मैं एक प्रश्न पूछूं कि दुनिया, आप लोगों ने डायमंड देखा है, हीरा, हीरा देखा, हीरा डायमंड? सूरत वाले बच्चों को तो पता होगा दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड कहाँ पैदा होते हैं? सूरत में होते हैं। यही गलत बात है। दुनिया में सबसे ज्यादा डायमंड अफ्रीका के देशों में पैदा होते हैं। कहाँ पैदा होते हैं? लेकिन डायमंड की सबसे बड़ी मार्केट कहाँ है? सूरत में नहीं है, बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में है। जैसे आपके सूरत में, राजकोट में, झारखंड के रांची में, मध्य प्रदेश के भोपाल में, तमिलनाडु के चेन्नई में रोड पर पोटैटो बटेटा बिकते हैं, उसी तरह से ब्रसेल्स के रोडों पे डायमंड बिकते हैं। अब सोचने की बात यह है कि जहां डायमंड पैदा होता है अफ्रीकन कंट्री में, वहां ये मार्केट क्यों नहीं है? और जहां एक भी डायमंड पैदा नहीं होता है वहां इतनी बड़ी मार्केट क्यों है? तो क्या उत्तर मिलेगा? क्योंकि अफ्रीकन कंट्री में पीस नहीं है, शांति नहीं है। और ब्रसेल्स में क्यों है? क्योंकि वहां पीस है। नो प्रोग्रेस विदाउट पीस, शांति के बिना प्रगति नहीं हो सकती। आप भारत देश में देखिए, जहां जहां पीस है, जिन जिन स्टेटों में शांति है, वहां वहां प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है। लेकिन जिन जिन एरियाओं में, जिस जिस सेक्टर में, जिन स्टेट में नक्सलिज्म है, टेररिज्म है, इंसर्जेंसी है, वायलेंस है, वहां प्रॉस्पेरिटी नहीं है। जहां आतंकवाद होगा, जहां नक्सलवाद होगा, जहां अलगाववाद है, जहां हिंसा है, अशांति है, वहां समृद्धि नहीं है। आप देखो, हिंदुस्तान की सबसे ज्यादा दौलत झारखंड के अंदर है, झारखंड स्टेट में है। वहां कोल माइंस है, लिग्नाइट है, बॉक्साइट है, डोलामाइट है, मैग्नीज है, आयरन की माइंस है, कॉपर की माइंस है, बहुत कुछ है। लेकिन वहां के लोग इतने समृद्ध नहीं है जितना उनके पास प्राकृतिक संपदा है। तो क्यों नहीं समृद्ध है? क्योंकि वहां नक्सलिज्म है, शांति नहीं है। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, कितनी माइंस है, कितनी प्राकृतिक संपदा है, लेकिन वो लोग समृद्ध इसलिए नहीं है क्योंकि वहां नक्सलिज्म है, अशांति फैला रहे हैं और शांति के लिए काम नहीं हो रहा। तो शांति और शिक्षा ये बहुत ही जरूरी है प्रॉस्पेरिटी के लिए, ज्ञान और शांति।
तो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, आचार्य चाणक्य से जब पूछा गया कि नरक क्या है, तो कौटिल्य अर्थशास्त्र में वो लिखते हैं, क्या लिखते हैं कि दरिद्रता साक्षात नरक है। क्या लिखा है? दरिद्रता साक्षात नरक है। जो सबसे बड़ा नरक है वो क्या है? गरीब होना। तो कहते हैं गरीब घर में पैदा होना, अशिक्षित घर में पैदा होना, ये कोई अपराध नहीं है, लेकिन गरीब होकर के मरना, अशिक्षित होकर मरना, ये सबसे बड़ा अपराध है। तो आप लोग समृद्ध बनने के लिए, जल्दी पैसे वाले बनने के लिए क्या काम करते हैं? समाज के लोग क्या काम करते हैं? चोरी करते हैं। क्या करते हैं? करप्शन, भ्रष्टाचार करते हैं कि बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाएं। वो अपने इथिक्स और वैल्यूज को तोड़ते हैं। अब कोई बच्चे बताएंगे चोरी किसे कहते हैं? किसी की सामान ले लेना, वो क्या हो गया? चोरी हो गया। अब आप लिखिए चोरी 7 प्रकार की होती है। 7 इविल इन कंडक्ट, चोरी 7 प्रकार की होती है। वैसे आप चोरी समझते हैं किसी का सामान ले लिया, आप चोर हो गए। तो सबसे पहली चोरी क्या है? टैक्स अवॉइडेंस, टैक्स की चोरी। अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो गवर्नमेंट चलेगी? अगर आप टैक्स नहीं भरेंगे तो आपकी आर्मी अच्छी नहीं होगी, आप अच्छे स्कूल नहीं बना सकते, एजुकेशन नहीं दे सकते, अच्छा हेल्थ नहीं बना सकते, तो ये देश कैसे चलता है? आपको, आपके टैक्स से चलता है। तो सबसे पहला चोरी क्या होता है? कर की चोरी, टैक्स की चोरी। और दूसरा होता है काम की चोरी, फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी। 1,00,000 रुपये सैलरी लेना, 50,000 लेना, 80,000 लेना, 2,00,000 लेना और काम उसके मुताबिक नहीं करना। तो दूसरी चोरी किसकी होती है? काम की चोरी, सैलरी पूरा लेना और काम नहीं करना। बोलो ऐसे काम करोगे जाकर आप लोग? आप जो सैलरी लेते हैं उससे ज़्यादा काम करने का। अभी देखिए 1945 में जब जापान पे बम गिरा, जापान तहस नहस हो गया, तो उन्होंने अपनी कंट्री की प्रोग्रेस के लिए बहुत से सजेशन मांगे, क्या क्या सुझाव हो सकता है कंट्री की डेवलप के लिए। तो बहुत सी बातें लोगों ने कहा, लेकिन वहाँ एक सुझाव ये आया कि हमें जो कल हुआ है 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 को, वो डेट इज पास्ट, वो भूतकाल है, उसे सोचने से, कमियां निकालने से कुछ नहीं होगा। हमें पास्ट के विषय में नहीं सोचना है, हमें फ्यूचर के विषय में सोचना है। प्यारे बच्चों, आज से 60-70 वर्ष पहले तक अगर दुनिया में कोई खराब माल आता था तो लोग कहते थे जापानी माल आ गया। ये आर्मी में बैठे हैं कर्नल साहब होंगे, यहाँ पे अरोरा साहब हैं, इधर नहीं है, अभी नहीं है। आर्मी में जो लोग हैं, अगर किसी की, ये जनरल साहब से पूछिए, बॉडी किसी की वीक होती थी तो लोग टॉन्ट कसते थे, कमेंट करते थे कि ये जापानी बॉडी है भाई। जो कमज़ोर होता था उसे लोग कहते थे जापानी बॉडी है। लेकिन आज जब दुनिया में कोई अच्छा माल बिकता है तो लोग क्या कहते हैं? जापानी माल है, मेड इन जापान है, आंख मूंद करके ले लो, कितना भी कीमत है अच्छा माल होगा। ये क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि वहां के लोगों ने कहा अब हमें पास्ट के विषय में नहीं सोचना है, हमें फ्यूचर के विषय में सोचना है, और फ्यूचर के विषय में सोचकर हमें दो रिफॉर्म करना है।
और वो रिफॉर्म क्या है कि अपने जो हमारे देश की जो प्रोडक्ट है, हमें अपने क्वालिटी और क्वालिफिकेशन ये दो में सुधार की आवश्यकता है। हमें इसमें रिफॉर्म करना है, क्वालिटी में और क्वालिफिकेशन में। इसलिए उन्होंने नारा दिया जीरो इफेक्ट एंड जीरो डिफेक्ट। जापान एक ऐसा देश है जहां डेली भूकंप आते हैं और 6-7 रिएक्टर स्केल के अर्थक्वेक आते हैं। क्योंकि ऐसा माल, ऐसा कंपनी लगाओ, ऐसे कारखाने लगाओ जो इन्वायरमेंट के ऊपर जीरो डिफेक्ट हो, जीरो इफेक्ट हो, और ऐसा प्रोडक्ट बनाओ जिसमें जीरो डिफेक्ट हो, बदनामी नहीं हो, भले ही वो कितना भी टाइम लगे। उन्होंने कहा अपनी क्वालिटी और क्वालिफिकेशन में रिफॉर्म लाना है, सुधार लाना है, और ऐसी मैन्युफैक्चरिंग करना है जहां जीरो डिफेक्ट हो और इन्वायरमेंट पर जीरो इफेक्ट हो। तो आप देखिए जापान कहां से कहां चला गया, उन्होंने अपने आप में सुधार लाया। तो इसलिए हमें, उन लोगों ने सुझाव मांगा कि जापान की उन्नति कैसे हो सकती है, तो वहां एक सुझाव मिला कि जापान के टीचर जितनी सैलरी लेते हैं, अगर उससे एक घंटा अधिक जापानी बच्चों को पढ़ाएं, अपनी जो सैलरी लेते हैं उसके बाद, तो जापान जल्दी से जल्दी प्रगतिशील कंट्री बन सकता है। तो वहाँ के टीचरों ने फैसला लिया, टीचर एसोसिएशन ने, कि हम एक घंटा नहीं बल्कि 2 घंटे जापानी बच्चों को निःशुल्क पढ़ाएंगे। और ये परंपरा 1945 से चली आ रही। 2007 में वहाँ के प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अब जापान वेल डेवलप हो गया है, G8 कंट्री, G7 में इसका समावेश हो गया है, अब हम सम्मानित जीवन जी रहे हैं, हमारे टीचर ने जो योगदान दिया है हम उनके आभारी हैं, अब इनकी सेवा समाप्त की जाती है, इनके प्रति हम आभार प्रकट करते हुए इनको जो 2 घंटे निःशुल्क पढ़ाते थे उनकी सेवा समाप्त करते हैं। तो जापान के टीचर एसोसिएशन स्ट्राइक पर चले गए, हड़ताल पर चले गए, और उन्होंने कहा हमारी सेवा जारी रखी जाए अन्यथा हम स्ट्राइक पर जाएंगे। और यहाँ पर क्या होता है कि बच्चों का भविष्य कुछ भी हो, हम महीने हड़ताल पर चले जाएंगे। तो इसलिए हमें अपने सभी डिपार्टमेंट के लोग स्ट्राइक करने का राइट रख सकते हैं, लेकिन टीचर को कभी स्ट्राइक करने का हक नहीं है, उसे बल्कि ज़्यादा काम करने की ये जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए, क्योंकि वो समाज का लीडर है। आप यहाँ आर्म फोर्सेस के लोग बैठे हैं, इन्हें एक बात समझाया जाता है, जब जीत होती है, सफलता मिलती है, तब टीम की होती है, और जब हार होती है तो लीडर की होती है। अगर आप समाज में कहते हैं बहुत बुराइयां आ गई थी, हार किसकी हार है, टीचर की हार है, क्योंकि टीचर समाज का लीडर है, शिक्षक समाज का लीडर है, उसने क्रिमिनल को पैदा किया है, उसने करप्ट पर्सन को पैदा किया है, उसने अच्छे लोगों को पैदा किया है, उसने और भी बेहतर लोग को पैदा किया है। समाज में जो अच्छे लोग हैं उसका भी श्रेय शिक्षक को जाता है, और समाज में अगर गलत लोग हैं तो उसका भी श्रेय शिक्षक को जाता है। उसने किस प्रकार की शिक्षा, किस प्रकार का एजुकेशन सोसाइटी को दिया है, उसका वो रिस्पॉन्सिबल टीचर होता है, क्योंकि वो सोसाइटी का लीडर है। इसलिए हमेशा उसे सोचना चाहिए। तो फेलियर टू परफॉर्म ड्यूटी, जो काम की चोरी, कितनी चोरी हो गई, पहली चोरी क्या बताया था, टैक्स की चोरी, और दूसरा, तीसरा चोरी होता है
इंडल्जिंग इन स्मगलिंग, स्मगल करना, जैसे ड्रग्स, नशीले पदार्थों का, इल्लीगल सामान का, ये सब क्या करना, स्मगलिंग करना, ये है चोरी। चौथा है प्रतिज्ञा की चोरी। आप लोग जैसे कॉन्स्टिट्यूशन के कसम खाते हैं, कुरान, बाइबल, गीता पर हाथ रख कर के कसम खाते हैं और काम उसका उल्टा करते हैं, तो ये कितने चोरी हो गई, चार। कर की चोरी, टैक्स की चोरी, काम की चोरी, दान चोरी, स्मगलिंग करना और प्रतिज्ञा की चोरी। पांचवा है वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की चोरी। आपकी पत्नी होने के बावजूद दूसरे से नक्सस रखना, पति होने के बावजूद दूसरे से नक्सस रखना, अभी ये हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसे जायज कर दिया, एडल्ट्री को। 178 ईयर्स पहले, 178 वर्ष पहले जब ब्रिटिशर लोग इस देश पर हुकूमत कर रहे थे, तो उन्होंने इस कानून को बनाया था। उनके वहाँ ये कानून लीगल था, लेकिन भारत देश के अंदर उन्होंने इस कानून को इलीगल रखा था, क्योंकि उन्होंने इस कल्चर का अध्ययन किया था। तीन कानून ऐसे थे, होमोसेक्सुअलिटी, लिविंग रिलेशनशिप और एडल्ट्री। ये तीनों को उन लोगों ने इस देश में इलीगल किया था, लेकिन हम लोग उस ब्रिटिशर से इतने मॉडर्न हो गए, आज हमने इसको लीगल कर दिया। ये बात ठीक है, पति पत्नी की प्रॉपर्टी नहीं है, पत्नी पति की प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उन्होंने बच्चों के विषय में नहीं सोचा। अगर पेरेंट्स में, माता पिता में एक भी अगर कोई प्रॉब्लम होती है, तो उस बच्चे की लाइफ डिस्टर्ब होती है और ख़राब होती है। उन दो लोगों के विषय में तो सोचा गया, लेकिन बच्चों के विषय में नहीं सोचा गया। तो ऑनरेबल कोर्ट अगर इस पर विचार करता कि उसकी जनरेशन का क्या होगा, तो शायद इसके विषय में कुछ और थिंकिंग वो करते। तो इसलिए वायलेटिंग कोड ऑफ कंडक्ट, आचरण की चोरी। और छठवां चोरी होती है स्टीलिंग फ्रॉम अदर रेपुटेशन, यश की चोरी। काम कोई और करे और सम्मान कोई और ले जाए। आजकल होता नहीं, काम कोई, परिश्रम कोई खूब दूसरे करते हैं और फूल माला पहनने के लिए कोई दूसरे आ जाते हैं। और सातवां होता है लॉस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट। पैसे के लालच में, पावर के लालच में लोग अपने आत्मसम्मान को खो देते हैं। इसलिए बच्चों, ये सात प्रकार की जो चोरी होती है, वह चोरी जो करता है उसका न नैतिक मूल्य अच्छा हो सकता है और न ही उसका करैक्टर अच्छा हो सकता है। और इसके बिना पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि नहीं आ सकती है। गलत तरीके से लोग बहुत जल्दी पैसे वाले बन जाते हैं, लेकिन एक समय ऐसा डाउनफॉल आता है, सब वो समाप्त हो जाते हैं। इसीलिए भारतीय मनीषियों ने लिखा था कि अधर्मेण ऐधते तावत ततो भद्राणी पश्यति, ततः सपत्नान जयति समूलस्त विनश्यति। अनैतिकता से, गलत तरीके से जो प्रॉस्पेरिटी आती है, पॉपुलरिटी आती है, वो बहुत तेजी से बढ़ती है, लेकिन एकदम जाकर के वो कोलैप्स हो जाती है और ख़त्म हो जाती है। तो आपकी उन्नति के लिए कितनी बात हमने बताई, पहली बात क्या बताई थी, इनलाइटनमेंट, ज्ञान। दूसरी बात क्या बताई थी, मॉरल एंड करेक्टर कंस्ट्रक्शन। और तीसरी बात क्या बताई थी, पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, शांति और समृद्धि। लेकिन शांति और समृद्धि आएगी कैसे, तो चौथा पॉइंट लिखिए, हार्ड वर्क। हार्ड वर्क,
कठिन परिश्रम, जो व्यक्ति हार्ड वर्क करेगा, कठिन परिश्रम करेगा, वह दुनिया का सबसे सक्सेस इंसान होगा। काम करने वाले व्यक्ति की कभी हार नहीं होती। जो काम के साथ समझौता करते हैं वो कभी कामयाब नहीं होते। आपको एक पोयम सुनाऊं, जगत में बड़ा बताया काम, बिना काम करने वालों की कीमत नहीं छदाम, जगत में बड़ा बताया काम। नामदेव दर्जी था, रैदास दलित था, मुसोलिनी का पिता इटली में लुहार था, नेपोलियन बोनापार्ट शिवाजी के पास ना कोई सरदार था, जर्मनी का एडॉल्फ हिटलर मामूली चित्रकार था, थॉमस कार्लाइल के घर में ऊन का व्यापार था, अब्राहम लिंकन लाल बहादुर शास्त्री स्टीव जॉब्स को न पढ़ने का दाम था। जाने जगत तमाम जगत में बड़ा बताया काम, बिना काम करने वालों की कीमत नहीं छदाम। तो आप देखिए, अब्राहम लिंकन लाल बहादुर शास्त्री स्टीव जॉब्स और नेपोलियन बोनापार्ट मुसोलिनी, इनके पास कुछ नहीं था। एडॉल्फ हिटलर एक मामूली पेंटर था। तो लोग अपने काम से, पराक्रम से अपना स्थान बनाए। वो किसी की दया पर नहीं, वो जाकर नहीं कहे भगवान हमें सब कुछ दे दो, वो जाकर के नहीं कहे कि गुरुजी हमें आशीर्वाद दे दो। उन्होंने अपनी पहचान, अपने पराक्रम, अपने पुरुषार्थ से बनाया। आप लोग अपनी कुंडली बनाए, कुंडली आप लोग हाथ दिखाते हैं कोई बाबा को? लड़कियां ज्यादा दिखाती हाथ, महाराज मेरा हाथ देखो, दिखाते हैं? ये हमारे बच्चे सब काम नहीं करेंगे, ठीक है। एक बार नेपोलियन बोनापार्ट एक एस्ट्रोलॉजर के पास गया, तो एस्ट्रोलॉजर से कहा कि महाराज मेरा हाथ देखिए। तो उन्होंने कहा आपकी रेखा बड़ी अच्छी है लेकिन थोड़ी सी टेढ़ी है। तो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा फिर सीधी होती तो क्या होता? बोले अगर ये रेखा सीधी होती तो आप सम्राट बन जाते। उसने कमर में से बदी हुई कटार निकाला, कहा महाराज कौन सी रेखा टेढ़ी है? ये बस उसको फाड़ करके सीधी कर दिया। हम बोले जब कहा महाराज अब रेखा सीधी हो गई तो अब मैं सम्राट बनूंगा नहीं बनूंगा? तो एस्ट्रोलॉजर बेचारा देखता रह गया और उसने कहा जो अपनी रेखा खुद, अपने हाथ की रेखा अपने आप बना सकता है, उसे सम्राट बनने में दुनिया में कोई रोक नहीं सकता है। हमारे यहाँ अथर्वेद में ये समझाया गया था, अयम में हस्तो भगवान, अयम में भगवत्तर है। आपके हाथों में ऐश्वर्य है, पराक्रम है। अथर्वेद में समझाया, कृतम में दक्षिणे हस्ते मयो जब साहित है। आपके दाहिने हाथ में पराक्रम है, आपके बाएं हाथ में ऐश्वर्य है। आप अपने भाग्य के विधाता खुद हैं, दूसरा कोई व्यक्ति आपके भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता। इसलिए प्यारे बच्चों, आप अपने तकदीर के बनाने वाले खुद हैं। और ये जब ही होगा जब आप हार्ड वर्क करेंगे, अपनी पहचान अपने कर्म से आप देंगे। और कर्म के साथ आपके पास नॉलेज, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि बिना ज्ञान का किया हुआ कर्म वो सफल नहीं होता। हार्ड वर्क तो बहुत से लोग दुनिया में करते हैं लेकिन वो कामयाब नहीं होते, क्योंकि कर्म के साथ आपके पास विवेक होना चाहिए। हम वो देख रहे हैं उसका सीन नहीं, हमें देखो हम क्या बता रहे हैं। मस्तिष्क यहाँ लगाओ, मस्तिष्क वहाँ लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो आप ये देखिए कि आपको हार्ड वर्क करना चाहिए लेकिन बुद्धि पूर्वक करना चाहिए, विवेक पूर्वक करना चाहिए। कितने पॉइंट हो गए अच्छा इंसान के लिए? चार। अब आखिरी पॉइंट लिखिए, वसुधैव कुटुंबकम। वर्ल्ड इज वन फैमिली। भारत की जो सबसे बड़ी सोच है, जो सबसे बड़ी समझ है, वह क्या है
कि ये संसार अपने परिवार के समान है। यहाँ यजुर्वेद के अंदर बताया गया, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, यह सारा संसार अपने परिवार के समान है।